Hello students, my name is Shikha and today we are going to determine the resolving power of a plane transmission grating which is required to resolve two yellow lines of sodium light. First of all, what is resolving power? Resolving power of an instrument is the ability to separate out two closely lying objects. It means ki kisi instrument ki wo ability aur wo power ki wo closely lying objects ko, for example, mere paas ye दो लाइंस हैं जो कि बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं. इन क्लोजली लाइंस को कोई ऑब्जेक्ट कितने अच्छे से सेपरेट आउट करके दिखा सकता है, दैट इज़ इट्स रिजॉल्विंग पावर. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी आईज किसी चीज़ को देखती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करती हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को, मान लिया दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, उन दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ऑब्जर्व करने के लिए अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स हमारी आईज पे जो एंगल बना रही हैं दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिनट, तो ही हमारी आईज उसे अलग अलग करके देख पाती हैं. अदरवाइज हमें वो मर्ज हुए दिखते हैं, यानी कि हम उन्हें एक सिंगल लाइन की तरह ही ऑब्जर्व करते हैं. जबकि अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करूँ जिसकी रिजॉल्विंग पावर थोड़ी ज़्यादा हो, तो हम इन्हीं दो लाइन्स को जो कि हमारी आईज एक सिंगल लाइन की तरह देख रही थी, इन्हीं को आप दो लाइंस की तरह देख सकते हो, यानी कि अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइंस की तरह ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस इज़ द रिजॉल्विंग पावर. जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, आप क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को या फिर लाइंस को उतने ही अच्छे से अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हो. इस एक्सपेरिमेंट में हमें रिजॉल्विंग पावर निकालनी है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की. रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट, अब की बार जो हम यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट, दैट इज़ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ये वाली, मुझे इस ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर निकालनी, यानी कि इसकी कितनी एबिलिटी है कि इसके पास जो दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स आएंगी ये उनको कितने अच्छे से सेपरेट आउट करके दिखा सकती है, और जो ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करेंगी इस केस में दैट इज़ सोडियम लाइट. सोडियम लाइट हमें पता है, हम जनरली उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली में सोडियम लाइट के पास दो लाइन्स होती हैं. एक D1 लाइन जिसकी वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम, दूसरी D2 लाइन जिसकी वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम. दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में हमें पता है कि इन दोनों लाइन्स के बीच का जो वेवलेंथ का डिफरेंस है D लैम्डा, दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ 6 एंगस्ट्रॉम. तो इस डिफरेंस को हम दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आप सेफली सोडियम लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिडर कर सकते हो. बट जिस एक्सपेरिमेंट में हमें इन वेवलेंथ को अलग अलग करके देखना है, तो आप उसमें सोडियम लाइट को मोनोक्रोमेटिक कंसिडर नहीं करोगे, उसमें मुझे अलग अलग लाइन्स को रिजोल्व करना है, और यही रिजोल्यूशन करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. नाउ मेरे पास दो लाइन्स हैं λ1 एंड λ2, इनकी अगर मुझे मेन वेवलेंथ निकालनी है, दैट इज लैम्डा विल बी λ1 प्लस λ2 बाई λ, मीन्स 5896 प्लस 5890 बाई 2, विच इज 5893 एंगस्ट्रॉम. दिस इज द मेन वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट. And also the difference between the two wavelengths of the D1 and D2 lines is D lambda, which is 6 angstrom. और resolving power का formula जो हमारे पास होता है, that is mean wavelength divided by change in the wavelength, that is lambda divided by d lambda. This is the experimental formula of the resolving power, or we can say the exact formula of the resolving power. This is the exact value of the resolving power of a transmission grating, जो कि हमें अपने experiment से confirm करनी है. Now there are number of lines ruled on this transmission grating, और इस grating में per inch 15,000 lines ruled होती हैं, और मुझे निकालना है number of lines per centimeter. नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है कि पर सेंटीमीटर कितनी लाइंस रूल्ड हैं. लाइंस रूल्ड करने का मतलब कि हमने इस ग्रेटिंग पे पर इंच 15,000 लाइंस लगाई हुई हैं, और ये लाइंस स्लिट्स की तरह काम कर रही हैं, यानी कि गैप की तरह काम कर रही हैं. और वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. और अगर मुझे ये पता है कि यहाँ पे पर इंच 15,000 लाइंस लगाई जाती हैं, तो 15,000 यानी कि 2.54 सेंटीमीटर में
15,000 लाइंस मेरे पास रूल्ड हैं, तो पर सेंटीमीटर में नंबर ऑफ लाइंस अगर मुझे निकालनी है दैट विल बी 15,000 डिवाइडेड बाय 2.54, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस आर 15,000 डिवाइड बाय 2.54 पर सेंटीमीटर। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हम एक और कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, ये वाला, दैट इज माइक्रोमीटर, जिसमें हमारे पास एक स्लिट होती है जो कि एडजस्टेबल विड्थ की होती है। देखिए, आप इस स्क्रू का यूज करके इस स्लिट की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब मुझे इस माइक्रोमीटर की हेल्प से रीडिंग्स को कैलकुलेट करना सीखना है कि मुझे स्लिट की कितनी रीडिंग लेनी है और किस तरीके से विड्थ को चेंज करना है। तो देखिए, इस माइक्रोमीटर के पास दो तरीके के स्केल हैं, आप देख रहे होंगे, 0 से 5 तक, दिस इज़ द मेन स्केल, और एक ये जो स्क्रू मैं घुमा रही हूँ, दिस इज़ द सर्कुलर स्केल। और हमें पता है रीडिंग लेने का तरीका हमारे पास क्या होगा, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले हमें इस माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालना सीखना है। दिस इज़ द मेन स्केल ऑफ द माइक्रोमीटर, आप देख रहे होंगे यहाँ जो नीचे छोटी सी लाइन दिख रही है, दिस इज़ द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल, और ऊपर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 0 से लेके 5 तक, और यहाँ देखिए छोटी छोटी लाइन्स बनी हुई हैं, यहाँ 10 डिविजन्स हैं, और ये जो 10 डिविजन्स हैं दीज आर काउंटिंग 5 mm, यानी कि 5 mm। सो ऑन द मेन स्केल टेन डिविजन्स आर इक्वल टू 5 mm, सो 1 डिविजन विल बी इक्वल टू 5/10, यानी कि 0.5 mm। टू फाइंड आउट द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, सबसे पहले हमें पिच निकालनी है, और पिच निकालने के लिए हम सर्कुलर स्केल का यूज़ करेंगे। देखिए, दिस इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द माइक्रोमीटर एंड दिस इज़ द मेन स्केल, और पिच हम किसे बोलते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेन स्केल, और यू कैन से द डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल कम्प्लीट्स इट्स 1 रोटेशन इज कॉल्ड पिच। तो जितने डिस्टेंस मेन स्केल पे मूव करेंगे हम, जब सर्कुलर स्केल एक कम्प्लीट रोटेशन करेगा, तो उसी को बोला जाता है पिच। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि इनिशियली जो मेरी रेफरेंस लाइन है, देखिए वो 3rd डिवीज़न के सामने है, मेन स्केल की 3rd डिवीज़न के सामने है, और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है उसकी रेफरेंस लाइन 0 के सामने है। मैं इसे कम्प्लीट रोटेशन दूंगी, यानी कि अगेन 0 के सामने लेके आऊँगी, और फिर मेन स्केल पे डिस्टेंस को ऑब्जर्व करूँगी। तो देखिए, हम ये कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं, और जैसे हमने सर्कुलर स्केल की कंप्लीट रोटेशन करी है, तो मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है वो 4th पॉइंट के सामने आ गई है, यानी कि हमारी कंप्लीट रोटेशन करने पे सर्कुलर स्केल की मेन स्केल पे एक डिवीजन मूव हुई है। पहले हम 3rd डिवीजन पे थे, उसके बाद 4th डिवीजन पे आए, यानी कि पिच ऑफ द माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, और हमने पहले वैल्यू निकाली थी कि 1 डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल पे होगी 0.5 mm। दिस इज द पिच ऑफ द माइक्रोमीटर हमने निकालनी, जो कि आई 0.5 mm। उसके बाद लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, कि हमारे सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स आ रही हैं। और माइक्रोमीटर में सर्कुलर स्केल पे देखिए 45, और उसके बाद अगेन 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स आर 50। 50 डिवीज़न हमारे सर्कुलर स्केल पे हैं, और हमें इसी से डिवाइड करना है, यानी कि पिच 0.5 डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 1/100 mm। सो द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर comes out to be 0.01 mm, or in centimeter you can say that 0.001 centimeter. So this is the experimental setup for resolving power. इस सोडियम लाइट में हमें पता है दो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, D1 और D2। हमें इसे कॉलीमेटर पे फॉल कराना है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल स्लिट, और उसके बाद
अपने टेलीस्कोप के आईपीस की हेल्प से एक फाइन स्लिट को सेट करना है. यहाँ से जो आपको लाइन दिखेगी कॉलीमेटर में से, यू हैव टू मेक श्योर कि वो लाइन जो है दैट मस्ट बी फोकस्ड एंड फाइन, जो कि आप टेलीस्कोप के आईपीस की हेल्प से सेट करने वाले हो. और उसके बाद सेट करने के बाद आप क्या करोगे, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को प्रिज्म टेबल पे इस तरीके से पुट करना है कि जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. इस तरीके से पुट करने के बाद हमें पता है जो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है ये एज अ ऑब्स्टिकल काम करेगी लाइट के लिए, और यहाँ से हमें डिफ्रेक्शन का फिनोमिना ऑब्जर्व होगा. आपको सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे ही आप फोकस को सेट करते हो उसके सेंट्रल मैक्सिमा के साथ आपको राइट साइड में भी कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में भी. आप राइट साइड में थोड़े से डिस्टेंस मूव करते हो तो आपको स्लिट फिर से दिखती है, उसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर. और कुछ आगे चल के डिस्टेंस पे फिर से आपको स्लिट ऑब्जर्व होती है, उसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर की इंटेंसिटी जो होगी दैट इज स्मॉलर देन द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज वी नो दैट इन डिफ्रेक्शन द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस. और लाइकवाइज जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो थोड़े से डिस्टेंस के बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा एंड देन सेकेंड ऑर्डर मिलेगा. आपको डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से पहले इन्हीं दो ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद अपने माइक्रोमीटर को सेट करना है. माइक्रोमीटर को सेट करने के लिए ये देखिए इसके तीन स्क्रूज हैं, 1, 2 एंड 3. सबसे पहले आपको इन्हें पूरा ओपन अप कर लेना है. और यहाँ से मुझे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला गैप. मुझे माइक्रोमीटर को अपने टेलीस्कोप के फर्स्ट एंड पे इस तरीके से पुट करना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाइट जहाँ से पास कर रही है और ये गैप कॉन्साइड करें. अगर इस गैप में से लाइट पास करेगी तभी मुझे आईपीस में, टेलीस्कोप के आईपीस में स्लिट ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज नहीं. तो इसको सेट करने के लिए मैंने इस तरीके से इसे रखा. और माइक्रोमीटर को रखने के साथ साथ आपको आईपीस से ये ऑब्जर्व करना है कि मुझे स्लिट दिखाई दे रही है या फिर नहीं. अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो आपको माइक्रोमीटर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है और जिस पोजीशन पे आपको स्लिट दिखाई देगी आपको उसी पोजीशन पे माइक्रोमीटर को फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्क्रूज. मान लिया मुझे इस पोजीशन पे लाइट जो है वो पूरी तरह ऑब्जर्व हो रही है, इस पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर अपना दिखाई दे रहा है, तो इस पोजीशन पे फिक्स करने के लिए मैं अपने तीनों स्क्रूज को साइमल्टेनियसली बंद करती हूँ. अगर मैं ऐसा नहीं करती, मान लिया मैं किसी एक ही स्क्रू को एक टाइम पे बंद करना शुरू कर देती हूँ तो माइक्रोमीटर उसके ऑपोजिट वाले डिस्टेंस पे मूव कर जाएगा और वो जो स्लिट थी वो फिर से डिसअपियर हो जाएगी. इससे बचने के लिए आपको तीनों स्क्रूज को अपने एक हाथ से टाइट पकड़ के और दूसरे हाथ से तीनों स्क्रूज को साइमल्टेनियसली आपको बंद करते चलना है. इस तरीके से आपको अपने माइक्रोमीटर को फिक्स करना है. माइक्रोमीटर को फिक्स करने के बाद आपको फिर से आईपीस से स्लिट को ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर वाली. और जैसे माइक्रोमीटर के बाद में स्लिट को ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे एक डिफरेंस दिखाई देता है. एंड द डिफरेंस इज कि जो पहले मुझे येलो कलर की एक सिंगल स्लिट दिखाई दे रही थी अब वो मुझे दो पार्ट में स्प्लिट अप हुई दिखाई देगी. एक्चुअली में मुझे क्या दिखाई देता है कि दो स्लिट्स के बीच में एक ही स्लिट है लेकिन उसे दो पार्ट में दिखाई देगी और बीच में एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी. और अगर बाई चांस आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है माइक्रोमीटर को सेट करने के बाद, आपको फिर भी एक सिंगल स्लिट दिखाई दे रही है येलो कलर की, तो उसके बाद आपको करना है इस एडजस्टेबल स्लिट का यूज़. इस स्लिट की हेल्प से आप अपने जो येलो लाइन दिख रही थी, जो येलो स्लिट दिख रही थी उसकी विड्थ को और फाइन करना है. आप जितना फाइन करेंगे आपको बीच की ब्लैक लाइन उतनी ही क्लियर दिखाई देगी, अदरवाइज वो दिखाई ही नहीं देगी. दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल. हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए रीडिंग्स लेनी है. हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर हमें दोनों साइड मिल रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड. लाइकवाइज हमें सेकंड ऑर्डर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड मिल रहा है. हमें इनकी रीडिंग्स लेनी है एक बार जब जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन में और एक बार स्लिट क्लोज्ड. ये रीडिंग कैसे लेनी है, इनका मतलब क्या है, ये मैं अभी एक्सपेरिमेंट करते हुए बताऊंगी कि इनकी रीडिंग कैसे कैसे लेनी है. एट दिस पर्टिकुलर टाइम टेलीस्कोप जो है वो हमने सेट कर दिया है राइट साइड के फर्स्ट ऑर्डर पे और आपको दो येलो लाइंस के बीच में एक ब्लैक लाइन दिख रही है और मुझे फर्स्ट ऑर्डर के राइट साइड में रीडिंग को नोट करना है. तो सबसे पहली जो रीडिंग मुझे लेनी है दैट इज लाइंस जस्ट रिजॉल्व. जस्ट रिजॉल्व का मतलब होता है कि अगर पहले से लाइन मर्ज अप हैं, मतलब दो लाइंस एक जैसी हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी दो जो उंगलियाँ हैं ये दो लाइन्स की तरह मान लिया एक्ट कर रही हैं. किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लिया वो ऐसी थी
और आप कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इनको अलग अलग करके देखते जा रहे हो, इनको मतलब आप रिजोल्व कर रहे हो। रिजोल्व करने का मतलब इनको डिस्टिंक्ट करना है, इनको सेपरेट आउट करना होता है, और मुझे वही रीडिंग लेनी है कि पहले मुझे लाइंस मर्जअप दिख रही थी और उनको रिजोल्व करना है। बट हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ अलग है, लाइंस पहले से ही मुझे अलग हुई दिख रही है, रिजोल्व है, और बीच में एक ब्लैक लाइन दिख रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इस स्क्रू का यूज़ करके, माइक्रोमीटर के ये वाले स्क्रू का यूज़ करके इन लाइन्स को मर्जअप कराते जाएंगे, यानी कि पास पास लेके आते जाएंगे, और जिस टाइम पे मर्जअप हो जाएंगी उससे पहले वाली रीडिंग मुझे नोट करनी है। देखिए ये वाली रीडिंग जस्ट मर्जअप, इससे जस्ट पहले वाली, यानी कि वो लास्ट पॉइंट जिस पे ये मुझे अलग अलग दिख रही थी, इसे आप बोल सकते हो द रीडिंग एट विच द लाइन्स आर जस्ट रिजॉल्व। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए मैं स्क्रू को बंद करती जाऊँगी, माइक्रोमीटर स्क्रू को, और जैसे जैसे ये स्क्रू बंद होता जाएगा, हमने देखा था कि ये जो छोटी सी ओपनिंग थी वो कम होती जाएगी, स्लिट जो है वो कम वेट की होती जाएगी, और जो दो लाइंस अलग अलग थी वो पास पास आनी शुरू होंगी, यानी कि उनके जो बीच की ब्लैक लाइन है वो धुंधली धुंधली और धुंधली होती जाएगी, और एक ऐसे टाइम आएगा एक रीडिंग के लिए, इसकी पर्टिकुलर रीडिंग के लिए बीच की ब्लैक लाइन कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। मुझे क्या करना है, इस ब्लैक लाइन को फिर से लेके आना है, क्योंकि ये जस्ट मर्जअप वाली है, मुझे ये रीडिंग नहीं लेनी, मुझे जस्ट रिजोल्व वाली रीडिंग लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फिर से अपने स्क्रू को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूँगी, यानी कि थोड़ा सा ओपनिंग को खोलूँगी, जैसे ही मैं थोड़ा सा खोलूँगी ब्लैक लाइन फिर से आएगी, थोड़ा सा अगर बंद करूँगी तो ब्लैक लाइन चली जाएगी। तो मुझे वो लास्ट पॉइंट नोट करना है जिस पर मुझे ब्लैक लाइन अभी भी दिख रही है। जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हैं, ब्लैक लाइन एक बार पूरी तरह चली जाती है, आपको स्क्रू को फिर से वापस उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि ब्लैक लाइन फिर से दिखे। आपको यही जस्ट रिजोल्व वाली रीडिंग को नोट डाउन करना है। सो जस्ट रिजोल्व की रीडिंग लेने के लिए मुझे माइक्रोमीटर के मेन स्केल को और सर्कुलर स्केल को रीड करना है। तो सबसे पहले मेन स्केल को रीड करने के लिए, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि सर्कुलर स्केल पे 0 से 5 तक की डिविजन्स होती हैं, और इसमें 10 डिविजन्स होते हैं, यानी कि 5 mm आर इक्वल टू 10 डिविजन्स। और हम पहले ही देख चुके हैं, यानी कि 1 मेन स्केल डिविजन ऑफ द माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm, मतलब आधा mm रीड करेगा अगर हम एक डिविजन आगे जाएंगे तो। और इस पर्टिकुलर केस में ये वाली रीडिंग के लिए, जब मैंने जस्ट रिजॉल्ट वाली लेनी थी तो मैं 4 डिविजन आगे गई हूँ, तो 4 डिविजन यानी कि 4 × 0.5 mm, यानी कि 2 mm मैंने मेन स्केल पर मूव किया है। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए आप रेफरेंस लाइन के सामने वाली रीडिंग को नोट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द लीस्ट काउंट, विच इज 0.01 mm, और यू कैन से 1/100 mm। पहले सारी रीडिंग्स को मैं मिलीमीटर में कैलकुलेट करूंगी और उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी, एंड द आंसर इज 2.21 mm, और मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0.221 cm। दिस इज द रीडिंग फॉर जस्ट रिजॉल्व फर्स्ट ऑर्डर राइट साइड। जस्ट रिजॉल्व की रीडिंग लेने के बाद मुझे स्लिट क्लोज्ड की रीडिंग लेनी है, और उस रीडिंग लेने के लिए आपको फिर से माइक्रोमीटर स्क्रू का यूज़ करना है। अब स्लिट क्लोज्ड की रीडिंग लेने के लिए मैं स्क्रू को फर्दर बंद करने वाली हूँ। जैसे ही मैं स्क्रू को बंद करती हूँ तो वो ब्लैक लाइन कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, और फर्दर बंद करने से, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोमीटर स्क्रू में छोटी सी ओपनिंग होती है जिसमें से लाइट पास करती है और हमें आईपीस में स्लिट दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रू को बंद करती जाती हूँ वो ओपनिंग छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो येलो लाइन जिसमें से ब्लैक लाइन अब डिसअपियर हो चुकी है वो भी धुंधली होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं इसे बंद करती जाऊँगी तो वो येलो लाइन भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि मेरी लाइन जो है पूरी की पूरी आउट ऑफ द व्यू चली जाएगी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मुझे वो फर्स्ट रीडिंग नोट करनी है जहाँ पे हमारे व्यू में कम्प्लीटली डार्क आ जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ स्लिट क्लोज्ड। तो स्लिट क्लोज की रीडिंग भी हमें एग्जैक्टली उसी तरीके से लेनी है जैसे हमने लाइन जस्ट रिजॉल्व की ली थी। आपको पहले मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है, उसके बाद सर्कुलर स्केल की। मेरे वाले पर्टिकुलर केस में जो मेन स्केल की रीडिंग है वो सिर्फ एक मेन स्केल डिवीजन पे मूव किया है, यानी कि सिर्फ एक डिवीजन ही बची थी तब जाके स्लिट क्लोज हुई है, यानी कि बहुत आगे जाके स्लिट क्लोज हुई है, और उसको मैंने mm में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 0.5 से, क्योंकि हमें पता है कि एक डिवीजन की वैल्यू इज 0.5 mm, और यू कैन से 0.5 mm। और उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 34 मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो वैल्यू आई 0.84 mm। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.084 cm। तो अब हम राइट साइड वाले फर्स्ट ऑर्डर पे दोनों रीडिंग ले चुके हैं, एक जस्ट रिजॉल्व्ड वाली और एक जस्ट क्लोज्ड वाली।
उसके बाद आपको इन द सेम मैनर सेकेंड ऑर्डर पे मूव करना है. सेकेंड ऑर्डर पे भी आपको दोनों रीडिंग नोट करनी है, एक बार जस्ट रिजॉल्व वाली रीडिंग लेके, यानी कि ब्लैक लाइन को गायब करके फिर वापस आना है जहाँ पे वो लास्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे अभी अभी ब्लैक लाइन दिख रही है वो वाली रीडिंग नोट करनी है. और उसके बाद जब मेरा कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, मुझे पूरा ब्लैक दिखाई देता है अपने व्यू में एक बार, तब रीडिंग नोट करनी है. लाइकवाइज आपको लेफ्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर पे दो रीडिंग नोट करनी है और सेकेंड ऑर्डर पे भी दोनों रीडिंग को नोट डाउन करना है और उसे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लेना है. सो मैंने सारी रीडिंग्स को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लिया है. ये वाली रीडिंग हम पहले नोट डाउन कर चुके थे फर्स्ट ऑर्डर के लेफ्ट साइड के लिए, ये रीडिंग्स आई हमारी जिसको हमने सेंटीमीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख दिया. और सेकेंड ऑर्डर के भी लेफ्ट और राइट के हम दोनों रीडिंग नोट डाउन कर चुके हैं. नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना था, इन दोनों रीडिंग्स का यानी कि जस्ट रिजॉल्व और स्लिप क्लोज्ड वाले रीडिंग्स का डिफरेंस लेना है, यानी कि 0.208 माइनस 0.013 इनका डिफरेंस नोट डाउन करना है विच इज 0.195. और लाइकवाइज हमें सारी की सारी रीडिंग्स का जो डिफरेंस है यहाँ पे नोट डाउन करना है. ये जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों लेफ्ट और राइट के लिए रीडिंग आई इनको बोला जाता है D1, और सेकेंड ऑर्डर के लिए लेफ्ट और राइट के लिए जो रीडिंग आई है इनको बोला जाता है D2. तो अब मुझे निकालना है मेन D1 और मेन D2. मेन D1 के लिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड किया बाय 2 से, तो वो आया 0.166 सेंटीमीटर एंड लाइकवाइज मेन D2 आया 0.074 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए यानी कि D1 के लिए रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करना है. तो हम लिख लेते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा हमें D1 की वैल्यू पता है, D1 इज इक्वल टू 0.166 सेंटीमीटर. और एक चीज़ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने वीडियो के शुरू में देखा था कि ग्रेटिंग पे कितनी नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड होती हैं, उन्हें हमने पर सेंटीमीटर कैलकुलेट किया था कि एक सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड हैं. दीज आर 15,000 डिवाइड बाई 2.54 एंड दिस वैल्यू इज एन डैश, इसे हम एन डैश का नाम देते हैं. और अगर मुझे ये देखना है कि इतने सेंटीमीटर में कितनी लाइंस आएंगी तो मुझे सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड इन D1 विड्थ, तो इसमें हमें क्या करना है, पर सेंटीमीटर के हम पहले निकाल चुके हैं यानी कि एन डैश, और उसको मल्टीप्लाई करना है D1 से. और इस वैल्यू को कि टोटल जितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी इसे बोला जाता है कैपिटल एन डैश, यानी कि कैपिटल एन डैश इज इक्वल टू एन डैश इंटू D1. एन डैश फाइंड आउट करने के लिए हमने एन डैश को मल्टीप्लाई किया विद D1. एन डैश मैंने पहले ही निकाल लिया था 15,000 डिवाइड बाई 2.54, और D1 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था जो था हमारा 0.166. सो द फाइनल आंसर इज 980.31. तो हमने निकाला कि नंबर ऑफ लाइन्स D1 विड्थ में आ रही हैं 980.31, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स इतने विड्थ में रूल्ड हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अब यहाँ से मुझे निकालना है रिजॉल्विंग पावर. सो रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ D1 विड्थ, अब की बार मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रही हूं, तो D1 विड्थ के लिए हमारा आएगा n इंटू एन डैश. ये हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए, n इंटू एन डैश. एन डैश मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जो था नंबर ऑफ लाइन्स D1 विड्थ में कितने रूल्ड हैं वो था एन डैश. और ये जो n है ये दिखाता है ऑर्डर को कि आप कौन से वाले ऑर्डर की बात कर रहे हो. अब मुझे पता है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो n की वैल्यू इस केस में आएगी 1 × 980.31, यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज 980.31. इन वैल्यूज के बीच में एन डैश और एन के बीच में डिफरेंस क्या है, एन डैश दिखा रही है नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर सेंटीमीटर, वेर एन इज द ऑर्डर कि आप कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हो. सो द रिजॉल्विंग पावर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज 980.31. तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट किया, इन द सेम मैनर मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए भी यही करना है. हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए D2 जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है वो राइट डाउन करना है, और नंबर ऑफ लाइंस अब की बार D2 विड्थ में निकालनी है एग्जैक्टली उसी तरीके से, और यहाँ से रिजॉल्विंग पावर को फाइंड आउट करना है. सो इन द सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, इन सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा D2 इज 0.074 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड in this width
ruled in d2 width will be exactly उसी तरीके से n dash into d2 और इसको हमने बोल दिया capital n dash, तो वो आया n dash into d2, n dash हम पहले calculate कर चुके हैं, this is number of lines ruled per centimeter जो कि हमारे पास था 15,000 divided by 2.54 and d2 is 0.074 and the final answer for n dash is 437.007. तो ये हमने निकाल लिया कि d2 width में कितने number of lines ruled हैं. अब मुझे यहाँ से resolving power को calculate करना है. So the resolving power for d2 width is equal to n into capital n dash. N dash हमने यहाँ से अभी calculate किया है और n हमें बताता है कि आप कौन से वाले order की बात कर रहे हो, spectrum के कौन से order की बात कर रहे हो. इस केस में मैं सेकेंड ऑर्डर लेके चल रही हूँ, पिछले केस में मैंने n को 1 यूज किया था क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही थी. अब की बार सेकेंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू को लेने वाले हैं 2 और उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं विद n डैश यानी कि 437.007 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 874.015. सो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर फॉर d2 विथ. एंड d1 विथ के लिए हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, रिजॉल्विंग पावर वॉज 980.31 और d2 के लिए 874.015. सो द मीन रिजॉल्विंग पावर फॉर द बोथ ऑर्डर्स इज plus 874.15 divided by 2 which is equal to 927.162. तो ये आई हमारे पास mean resolving power and we know that the theoretical value of resolving power is 982. तो यहाँ से मुझे percentage error calculate करना है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया वो निकालने के लिए 982 यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 927.162 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि 982 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो द फाइनल परसेंटेज एरर इज 5.58%. So this is all about the resolving power of transmission grating for sodium light. If you like this video, like and share this video and subscribe our channel and also press the bell icon so that you will get all the notifications of our latest videos. Thank you.